कि लास्ट 20 साल हो गए ये कंपनी को चालू करे हुए। मुझे पहला बिजनेस आया था लगभग 8 महीने बाद मेरी कंपनी में, और उसके बाद हमारी गुरु माँ की कृपा से कभी पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं एक अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, वी वे होटेलियर है ना, और अचानक हम मीडिया इंडस्ट्री में आ गए। तो एक वाइट कॉलर्ड पर्सन वहाँ पर आए और होटल इंडस्ट्री से आएगा तो उसको बहुत चैलेंजेस मिले थे। 8 महीने लगे हमें ये इंडस्ट्री को समझने में, लेकिन जब हमने ये इंडस्ट्री को समझा और अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करते चले गए और कस्टमर को उसके रिक्वायरमेंट को उसकी पॉलिसीज़ को समझते चले गए, आज देवीमा की कृपा से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ऑफकोर्स 20 साल में एवरी डे इज़ अ चैलेंज फॉर अस, बिकॉज हर एक क्लाइंट की नई रिक्वायरमेंट रहती है, उसकी हर एक प्रोडक्ट अलग है, मार्केट अलग है, बजट्स अलग हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ती है सर। देखिए मैं तो कहीं खड़ा ही नहीं होता आमिर खान जी के सामने, लेकिन उनका जब लेटर आया आई वॉज वेरी थ्रिल्ड एंड वेरी हैप्पी टू गेट दैट लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल, और एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई टीम एफर्ट्स, और जो हमने उनको प्लान बना के दिया था आउटडोर के अंदर, क्योंकि आई डील इन टू आउटडोर होर्डिंग्स, मेरे 500 होर्डिंग्स है बॉम्बे के अंदर, परमानेंट लोकेशन पे, बिग साइज़, यूथ साइज, मेरा एक एक कैनवास साइज़ जो है वो लगभग 800 स्क्वायर फीट का है, 1200 स्क्वायर फीट का है, 1800 स्क्वायर फीट का है। जब आप एक प्रोडक्ट मास कम्युनिकेशन करते हैं 1200 स्क्वायर फीट पे, इतना बड़ा डिस्प्ले लगाते हैं प्रोमिनेंट जंक्शंस पे लाइक बांद्रा, अंधेरी, मरीन ड्राइव, विलेपाला एंड मैनी ऑन अप टू थाना, जब आप ये सब डिस्प्ले लगाते हैं और क्लाइंट को जब उसका रिटर्न्स मिलता है, आई फील दैट इज़ एन अवार्ड फॉर मी। आज बॉम्बे के अंदर 90% ऑफ आउटडोर बिजनेस जो बिल्डर्स का हम कर रहे हैं, आप मानेंगे नहीं, जो क्लाइंट हमारे पास 4-4 साल से हैं वही रिपीट हो रहे हैं और वही कंटिन्यू हो रहे हैं, एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट्स। देखिए अगर कंपटीशन नहीं होएगा तो बिज़नेस करने का मज़ा ख़त्म हो जाता है ना, तो कंपटीशन तो चाहिए, दैट इज़ आर पार्ट ऑफ लाइफ, विदाउट कंपटीशन यू कैन नॉट ग्रो। और मैंने जहाँ तक देखा है जब भी कंपटीशन होता है एक ग्रोथ अलग ही आ जाती है, कभी भी कंपटीशन की वजह से हम पीछे नहीं हटे, बल्कि कंपटीशन आया तो और हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि उसमें मार्केट स्कोप और दायरा बहुत बढ़ जाता है। और दैट्स इट। देखिए ये मार्केट बहुत लगभग 4 टाइम हो गए हैं, 5-6 रिसेशन आ चुके हैं जब से मैंने ग्लोबल एडवर्टाइजर शुरू किया है। हर एक रिसेशन में कुछ ना कुछ नई स्कीम आती है, पहले हम कैश में डील करते थे, फिर बाटर हो गया, फिर EMI स्कीम्स हो गई हैं, फिर इक्विटी डील्स कर रहे हैं हम क्लाइंट्स के साथ, इक्विटी डील्स कर रहे हैं उसमें हम क्लाइंट का शेयर्स ले लेते हैं, बाटर डील में हम प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं, सामने सर्विसेज देते हैं, EMI में उनको इजी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ देते हैं, है ना, प्लस इंटरेस्ट पे भी। अभी हमने एक नया स्कीम लॉन्च की है जिसमें एंड यूज़र यानी कस्टमर को बहुत बेनिफिट होने वाला है, हमने उनको ये स्कीम दे रहे हैं कि भाई आप एडवर्टाइज़ कर लीजिए, कमा के हमें पैसे देना, पहले पैसे नहीं देना, कमा के पैसे देना। रिस्क तो है सर, बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता है, लेकिन उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, हमारे कंट्रोल मैनेजर्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। आई हैव गॉट अ होल सेट ऑफ टीम, मीडिया प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, खाली बॉम्बे में नहीं, वी डू कैंपेन्स ऑल ओवर इंडिया और बहुत ह्यूज कैंपेन्स करते हैं आउटडोर की। मेरे क्लाइंट्स की इंडस्ट्रीज है जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, बिल्डर्स हैं और वेरियस जितने भी रिटेल सेक्टर्स हैं, सब मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं सर्व करता हूँ, प्लस मल्टीनेशनल एजेंसीज भी हैं जो अपने क्लाइंट के लिए मेरे होर्डिंग्स लेते हैं और अपने कैंपेन पूरा करते हैं। देखिए ये जो गवर्नमेंट आई है वो पब्लिसिटी बेस्ड गवर्नमेंट है और उनको पब्लिसिटी का पावर मालूम है कि आउटडोर का पावर क्या होता है, तो हमें उनसे उनकी तरफ से उनके बिजनेस तो बहुत अच्छा मिल रहा है एंड उनका आशीर्वाद है। एक्सपांड से ज़्यादा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी सर्विस दी जाए, जो जो क्लाइंट्स हमें मिस्टेक हुई है उसको वापस से रिवाइल किया जाए, और कितना अच्छा बेनिफिट और कितना अच्छा रिटर्न्स हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं। अगर वो 1 रुपया इन्वेस्ट करता है तो उसको हम 100 रुपये का रिटर्न कैसे दे सकें, उस पर हमारी वर्किंग रिसर्च चलती है। क्योंकि पहले हम होर्डिंग हैंड पेंट करते थे जिसमें 7-7 दिन लग जाते थे कंप्लीट करने में, लेकिन आज डिजिटलाइजेशन की वजह से 12 घंटे के अंदर हम पूरे बॉम्बे को पेंट कर सकते हैं इन ब्लू, यू नो रेड एंड ब्लू हम चेंज कर सकते हैं। तो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और आज की कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है, डे बाय डे उसको कुछ ना कुछ नया नहीं देंगे तो उसको
मज़ा नहीं आता है। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट 14 सालों से मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, जिसका नाम है राधे माँ चैरिटेबल फाउंडेशन, है ना। और उस चैरिटी के माध्यम से या वो उनकी काफ़ी सत्संग होते हैं हमारे धर्म के, और प्लस गरीब अमीर आते हैं जिनको हम लंगर देते हैं, और मतलब विदाउट एनी कॉस्ट काफ़ी आश्रम एक्टिविटी CSR एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसमें बेटी बचाओ अभियान है, स्वच्छता अभियान है, जिसमें हमारी गौशालाएँ चल रही हैं, मतलब हम उसमें एक छोटा सा योगदान देते हैं हमारी गुरु माँ की कृपा से।